सोमवार को सेक्टर 9 हॉस्पिटल परिसर स्थित फायर स्टेशन के पास कार्य चल रहा था। कार्य के दौरान अचानक पास में रखा हुआ भारी पैनल गिर जाने से ठेका कंपनी के श्रमिक लाल बहादुर के दोनों पैर सिर में गहरी चोटें आई है। सिर और नाक से काफी खून बह रहा था, कर्मचारी बेहोश हो गया था। जख्मी श्रमिक को सेक्टर 9 हॉस्पिटल की आईसीयू में भर्ती किया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। ठेका श्रमिक लाल बहादुर की मौत के बाद परिजनों ने मंगलवार को अनुकंपा नियुक्ति व मुआवजे की मांग को लेकर शव का पीएम नहीं होने दिया। वहीं बुधवार को यूनियन के पदाधिकारियों व मृत ठेका श्रमिक के परिजनों ने अपनी मांग को लेकर पुनः प्रदर्शन प्रारंभ किया। हादसा कैसे हुआ ये तो हम भी नहीं थे, इसलिए हम नहीं बता सकते, लेकिन जो है सो कि जैसा आप लोगों ने भी देखा है स्पॉट, बहुत दर्दनाक जो है सो कि मौत हुई है लाल बहादुर की। इसको बयान करना जो है सो कि बोल नहीं पाऊंगा मैं इस चीज को, लेकिन एक चीज मैं जरूर ये कहूंगा कि प्रबंध के द्वारा और ठेकेदार के द्वारा पूरी तरह से अनदेखा किया गया है। मैनेजमेंट ठेकेदार को मिलकर जो है सो कि आपस में इस बात को दबाने का पूरा प्रयास कर रही है। आज 48 घंटा हो गया ये घटना घटे, लेकिन एक भी न ठेकेदार का कोई आदमी आया है और न बीएसपी मैनेजमेंट कोई पूछने के लिए आया है कि आखिर ये घटना हुई कैसे। सबसे बात यही तो बात है, हम भी यही पूछ रहे हैं कि अगर वर्क वहाँ है उसका तो यहाँ आकर कैसे जो है सो कि हुआ ये घटना। अब बोलते हैं ये लोग की जो है सो कि ये ऑफिस के वर्क से आया था, तो उनका जो है सो कि ऑफिस वर्क से ठेकेदार का काम कर रहा है, तो ठेकेदार का निश्चित तौर पर यहाँ आया था वो काम करने, वो जहाँ भेजेगा वहाँ वो जाएगा। अब यहाँ घटना घटी है तो हम तो बीएसपी का मेन जो है बीएसपी का है ना, तो हत्या मान रहे हैं बिल्कुल, कि ये हत्या ही अगर है, बिल्कुल हत्या है, अपराध है, अपराध दर्ज कराएंगे, बिल्कुल अपराध दर्ज करवाएंगे, हम बिल्कुल अपराध दर्ज करवाएंगे, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है बीएसपी की तरफ से आना जो है सो कि ठेकेदार की तरफ से। 48 घंटा हो गया तो ये हत्या नहीं है तो है क्या? हमारी मांग यही है कि बीएसपी इसको अपने तरफ से नौकरी दे, दूसरा इनके बाल बच्चों का पूरी देख रेख करें, नैतिकता भी यही बनती है, इससे दूसरा और कुछ नहीं हो सकता है। नैतिकता के तहत इनको ये देना चाहिए।